अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, सारे खुश रहो। आज की वीडियो है सैमसंग FRP के बारे में। एंड्रॉयड वर्जन ये 12 है और 11 पे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी रखा है जिसमें ये काम करता है। टॉकबैक ऑन करेंगे हम। जो जो फ़ोन आप रिस्टार्ट करके ऐसे लिख के आएगा ना स्कॉटेड बाय केनक्स, तो उस पर काम करेगा ये, ठीक है। यहाँ पे हम डबल क्लिक कर लेंगे, यूज़ वॉइस कमांड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने डबल क्लिक करना है, यहाँ पे बोलना गूगल असिस्टेंट। नहीं हुआ शायद, लेट किया मैंने, फिर से करता हूँ। उल्टा एल, इसका टच भी काम नहीं करता है। यहाँ पे डबल गूगल असिस्टेंट, शुक्र है। यहाँ पे एंड्रॉयड 12 और जो लेटेस्ट है ना 11, उसमें सैमसंग अकाउंट डालना ज़रूरी है, नहीं तो आप डायरेक्ट PC से ब्राउज़र निकालो। टॉकबैक ऑफ़ करता हूँ मैं। यहाँ पे सैमसंग अकाउंट ज़रूरी है, नहीं तो आपको क्या करना है, आपको ब्राउज़र निकालना है PC से, ठीक है। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे सैमसंग अकाउंट। अगर आपने बैकअप नहीं भी लेके रखा कोई मसला नहीं, हम गैलेक्सी स्टोर से ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई एरर आता तब फिर बैकअप लिया कर लो, ठीक। वो वाली वीडियो ऑलरेडी है इस चैनल पे। अब जब पहली बार कोई सैमसंग अकाउंट किसी फ़ोन में हम डालते ना, तो ये कोड मांगेगा, वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। ये अब ये दूसरे फ़ोन में मैंने लॉगिन करके रखा है, या हम सीधा सिम पे जाएंगे। ये है 501132, वेरीफाई करता हूँ मैं, पढ़ गया। अब इस फ़ोन में ऑलरेडी ये था, नहीं तो सिम पे जाना था, ठीक है। कैंसिल करता हूँ मैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं गूगल, सर्च करो। यहाँ पे आपको गूगल आ गया। यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, नो थैंक्स, फिर से करता हूँ ओपन क्रोम। चलिए जी, क्रोम ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप टाइप क्या करोगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे www.RAYESSRUH@.com, सॉरी। अब यहाँ पे तीन लाइनों पे जाओ, यहाँ पे गूगल चाचा FRP बाईपास, दूसरी वाली एप्लीकेशन हमने ओपन करनी है। हो सकता है हमारा गैलेक्सी स्टोर अपडेट करना पड़े। हाँ, हो गया। चलिए जी, अपडेट पे क्लिक करता हूँ मैं। जब ये इंस्टॉलिंग आ जाएगा ना, आपने बैक करना एक बार। ये हो गया, इसको मैं इंस्टॉल लगाता हूँ तब तक जब तक दूसरा वाला अपडेट आ जाता है। दो बार आता है ना, हाँ ये आ गया। चलो, जब गैलेक्सी स्टोर अपडेट होगा इंस्टॉलिंग पे बैक कर लो, नहीं तो ये दोबारा MTP मोड पे चला जाता है, ठीक है। अब जब तक ये अपडेट होता ना, तब तक हमारी एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी, गैलेक्सी स्टोर ओपन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं तब तक क्लिक करते जाऊँगा जब तक ये हो जाएगा, ठीक है। अब सॉरी, गलती से लग गया था पहले नंबर पे। चलिए जी, ओपन हो गया, इंस्टॉल होगी वो एप्लीकेशन, ओपन करता हूँ मैं। अब ये वाला यूज़र नेम और पासवर्ड भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से यूज़, अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं तो ये वाला भी कर सकते हो। लास्ट पे आपको लिख के रखा होगा ये ASIF9650, उसके बाद पासवर्ड यही है, रईस रू, लास्ट वाले दो है, ठीक है। तो वो फिर ऊपर वाला फिर आगे जाके आपको काम आ जाएगा, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड भी लगाता हूँ,
चले जी, साइन इन करता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जल्दी करिए यार, डुप्लीकेट डिस्प्ले पड़ा हुआ है इसमें। चलो कुछ भी टाइप कर लो, आपकी मर्ज़ी जो भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद डिवाइस एडमिन को हम ऑन करते हैं, एक्टिवेट, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे इसको परमिशन दे के आई हैव एग्री करना, नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप नेक्स्ट कर सकते हो, कर लो अब, ठीक है। उसके बाद फिनिश करते हैं। कभी कभी इसका टच काम नहीं करता, याद रख लेना, इसमें डुप्लीकेट डिस्प्ले पड़ी है, बड़ी मुश्किल से चलता है ये, ठीक है। तो चलिए जी, यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ मैं फिनिश पे, पता नहीं हुआ क्लिक क्या नहीं हुआ। अब ऐप मैनेजर पे हमने ये सामने, मैंने आपके सामने लिख रहा है, सबसे पहले हमने एंड्रॉयड सेटअप सर्च करना है, ठीक हो गया सर्च, एक दो बार कीबोर्ड मिनिमाइज हो जाता है, ठीक। एंड्रॉयड सेटअप, ANDROID फिर स्पेस SETUP, ठीक है। तो ये मैंने लिख के रखा है आपके सामने। उसके बाद पहले नंबर पे क्लिक कर लेंगे, ठीक हो गया। दूसरे पे एक्शन पे जाएंगे, फोर्थ स्टॉप पे क्लिक कर लेंगे दूसरे वाले पे, ठीक हो गया, ये आ गया ना। उसके बाद वाइप डाटा पे ओके कर लेंगे, ठीक है। अब हम बैक जाएंगे, फिर दूसरे वाले पे क्लिक करना हमने, ये क्लोज करके, ये सैमसंग सेटअप, ये लिखना आपने SAMSUNG, सैमसंग स्पेस SETUP, ठीक है, क्लिक कर लो। उसके बाद एक्शन पे जाओ, फोर स्टार इस पे भी करना है, उसके बाद वाइप डाटा ओके करना है, हो गए दो। अब बैक कर लो, इसको क्लोज करते हैं, फिर तीसरे पे क्लिक कर, वो तीसरा सर्च करना है गूगल प्ले सर्विस, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए आप गूगल प्ले सर्विस, GOOGLE स्पेस PLAY स्पेस, ये आ गया पहला वाला सर्विस, ठीक। एक्शन पे जाते हैं, फोर स्टॉप करते हैं, उसके बाद वाइप डाटा ओके करते हैं, सही हो गया ना। अब एक ही बार हमने क्लिक करना, बस FRP बाईपास हो गया। अब फिर से वहाँ पे सर्च बार पे जाओ, सैमसंग सेटअप सर्च कर लो, SAMSUNG SUNG स्पेस SETUP, ये आ गया ना। अब हमने एक्शन पे नहीं जाना, तीसरे वाले पे जाना है। यहाँ पे पहले वाले को ओपन करके सीधा ओपन करना, इनेबल नहीं करना, ओपन करना है। ये FRP बाईपास हो गया, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो क्लिप अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करोगे आप, कमेंट भी करोगे कोई प्यारी सी, और प्लीज़ अगर हो सके तो शेयर कर लेना वीडियो को। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।